दोस्तों नमस्कार। तो आ ही गए हैं आप लोग। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों तक एक जरूरी सूचना, और जरूरी सूचना क्या है मैम बताएंगी। नमस्कार आप सभी को, और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्म बाइसिकल डेज, जो बच्चे और फैमिली एंटरटेनर है, 14 तारीख को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। इसका प्रोटैगनिस्ट एक बच्चा है, और हमारी ये कोशिश है कि हम अच्छा सिनेमा रिवाइव करें। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि 14 तारीख को इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने ज़रूर जाए। ये फिल्म एंटरटेनमेंट से भरी हुई फिल्म है, 3 गाने हैं जो कि आपको बहुत सारा मनोरंजन देंगे, और प्लीज़ ये फिल्म देखने जाइए। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, फिल्म देखने जरूर जाना, और हम लोग भी जाने वाले हैं। क्यों गोविंद भी? बिल्कुल। क्या नाम है मूवी का? बाइसिकल डेज। और हमारे राजा भैया भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। यकीनन एक बहुत प्यारी फिल्म। बाइसिकल का मतलब हिंदी में होता है साइकिल, और बचपने में हर बच्चे ने, हर बूढ़े ने, हर जवान ने साइकिल चलाया है। तो अपने पूरे परिवार के साथ जाइए। दिव्यानी आनंद जी की मेहनत, बहुत प्यारी फिल्म बनी है। पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ जाइए, और इस फिल्म का थिएटर में मजा लीजिए। क्योंकि फिल्म जब तक आप लोग थिएटर में देखने नहीं जाएंगे, फिल्म को रिस्पांस नहीं मिलेगा। इसलिए आप जाइए, उनकी मेहनत, उनकी लगन, और जो थीम को लेकर वो आपके बीच में आए हैं, वो तभी सफल हो पाएगा जब हम थिएटर जाएंगे। तो सभी से मेरी गुजारिश है, हम तमाम TGV टीम की गुजारिश है कि जरूर जाएं, थिएटर में जाएं, और बाइसिकल देख कर आए। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। और वीडियो बड़ी मुसीबत मोल ले लिया गोविंद। अब साला कहाँ जाऊं, किसको बताऊं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। तो साला घर में किसी को मालूम हो जाए ना, oh, no! इस बार होता है एक दो बार की गलती, yes! इस बार कोई नहीं झेलने वाला है मेरी। पर अब कर भी क्या सकता हूँ साला, कैसे झांसे में आ गया मैं। साला इतना ज्ञानी आदमी गोविंद तू है, लोगों को ज्ञान फिरते बैठता है। अच्छा, लोग तेरे पास आते हैं, दुनिया भर के लोग, भाऊ हमारे घर ऐसा हो गया, हमारा लड़का ऐसा कर रहा है, हमारे यहाँ वैसा हो रहा है, तो तू कुछ सलाह बता, कुछ ना कुछ करे। खुद ही खाई में गिर गया आदमी। और ये सब पूरे सबको पता होगा ना, आज के बाद कोई रूच पूछ नहीं करने वाला है मेरी। oh, no! साला क्या बताऊं ना, क्या ना यार। oh. साला अपनी थोड़ी और हजार की घोड़ी वाली बात हो गई। अरे बाप रे। oh, no! करूं तो क्या करूं, दिमाग भी काम करना बंद करने लगा अब साला। oh, no! टपरा में जाता पूरा दिमाग का सत्यानाश कहाँ ढूंढ, और कहाँ हमारे यहाँ का दिखाई देगा भाई तुमको? नहीं दिखा, इधर से आते जाते नहीं दिखा। तो टहलता इसलिए पूछ लीगा, ठीक है काम कर तू अपना। गली घाट बस घूमते रहूं, कहाँ है कैसा है, तेरे को दिखाई के सालू तेरा चाचा रे। जा तो तू भी जा, किसी को नहीं दिखे, इधर ही तो घूमते रहते हैं। अब किधर है ना किधर नहीं, सीधे खेत ही जाती हूँ, वहीं मिलेंगे मेरे को। सपा नाश हो गई, एक नहीं सुनता बुढ़ा। कहा प्रधानमंत्री का मकान आएगा बाबू, इसका घर बनेगा, वहाँ टाइल्स लगाएंगे, तो यहाँ लाके रखा है टपरा घर में। एक तो साला आदमी थक गया पूरा, इसको समझा समझा के बुढ़े को। अरे oh, no! ना घर में लगाने दिया, ना यहाँ लगाया, ना क्या बताऊं, इसके मारे भी नाश होगा। नहीं ये ऊपर से इसको भी नहीं सुधरा रहा है। घुसोड़ 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 घुसोड़, इतनी अच्छी अच्छी टाइल्स अपन नाश हो गई, क्या बताऊं बाबू तेरे मारे। नासाई नासाई, इसकी तो बीत गई साला, हमको यहाँ टेंशन। अच्छा ऐसा नहीं कि एक दिन पूरे बच्चों को भेज दे खेत, और जाओ रे जमा जुमा कर लो, क्या कुछ कर लो। किसका जाएगा, जाएगा तो मेरा ही जाएगा ना। अच्छा अरे कैसा चच्चा, तो अरे क्या बताऊं चच्चा, सप्पा नाश हो गई टाइल। साला घर में लगाऊंगा कहा मेरे बाबू को, तो कहता है खेत के टपरा घर में लगाएंगे, कहता है यहाँ लाके रखवाया है। अरे तो तुमको तो समझाना चाहिए। yes!
कोई इतना बेवकूफ है, समझा समझा के थक गया भैया, मतलब कहता रहने दो ना चाचा, बाद में बना लेंगे बोले। अरे क्या वहाँ तुम्हारे संग बराबर का है, है तो क्या करोगे, मकान टूट रहा है, वो दिख नहीं रहा है उसको, क्या बता। अरे पूरा नाश हो रहा है, ये कल परसों गड्ढे में जाएगा, करना तो मेरे को ही है सब। अरे तो औलाद तो हो तुम। अरे पर नाश भी तो हो रहा है जी। तुम करोगे, कमा भी रहे हो, क्या है साला, बेफिक्री है बुड्ढे को, किधर ध्यान दू ना किधर नहीं, क्या बताऊं चाचा। चल चल बाहर चले यार, बाहर बैठेंगे। अरे क्या बाहर बैठ चाचा, समझ में नहीं आता मेरे को, ऐसा किससे गया हूँ मैं मालूम, मैं पूरा बैठो यहीं बैठो छाई में, करना तो तुमको ही है। अरे वही तो है, तुम भी बढ़ावा दो ना ऊपर से, करना तो तुमको ही है, तुमको ही है। oh, no! अरे हाँ समझता हूँ, समझता हूँ कि मैं औलाद हूँ, मैं ही करूँगा, पर बाकी भी तो मेरे भाई हैं। yes! अरे सुनो, जब ये बकरों की शादी ब्याह होगी ना, अच्छा, और जब घरवाली इनको परेशान करेंगे, जब कहेंगे हिस्सा होना हमारे को, फिर बराबरी का हिस्सा होना तो देंगे, तो जो करेगा तो उसका भी निकलेगा। अरे तो मेहनत भी तो बराबर करना चाहिए ना। और एक चीज बता दूं मैं, हमारे यहाँ का बुढ़ा किसी के पास टिकने वाला नहीं है, उसका करेंगे तो हम ही दोनों। अच्छा, वो दोनों नहीं पति आने वाले हैं, तुम देखते रहना। अच्छा, बड़ा ही करता है सब कुछ। अरे यही तो मर गया आदमी, बड़ा ही सायना करके। तुमको भी बुलाऊंगा ना फैसले के समय, तुम भी कहोगे सबको बराबर, सब तो तीनों बेटे तेरे ही है राम किसान, सबको बराबर दे कहोगे। निकलेगा जो जिसका करेगा। अरे गया जमाना चचा, बाप माँ का निकलेगा वाला। शासन में ये भी मजा है कि किसके पास है, कौन कर रहा है उसका निकालते। अरे रहन दो चचा, मरेंगे ना जब देख लेंगे। अरे तुम जाओ यार चचा, तुमको अपना आदमी समझो तो तुम भी मेरी तरफ से नहीं बोलते। साला आदमी किसी को बताओ दुख दर्द न क्या, साला हेलो चाचा भी उल्टी बात करता है यार। सो आवले फलेंगे के नहीं बेटे। अरे छोड़ ना, कौन जाएगा यहीं बैठ चुपचाप, कोई नहीं होने वाला है दुनिया में, सब अपने अपने के हो गए। oh, no! गांव का भी गया पहले का रुझान। yes! एक को बुलाते थे तो गांव भर के आते थे समझाने के लिए। oh! अब यहाँ बाप को समझाए क्या, भाई को समझाए क्या, बेटे को समझाए वाली कहानी। अब क्या वही आलम है, जाता ही नहीं साले को आज घर। चुप ही रहो, यहाँ पे पड़े हुए सबको मालूम है खेत गया होगा कहीं के। हाँ घर वालों का एक टेंशन है यार। तुम क्या बटर रहे हो यहाँ पे? Oh, no! क्या है? क्या बटर रहे हो यहाँ पे अकेले अकेले बैठे? अरे रुक यार, मेरे जेवर कहाँ है? जेवर कहाँ के जेवर? वो मेरे जेवर, मेरे जो पहनती हूँ मैं। अरे होंगे ना यार, मेरे को यहाँ मेरी टेंशन खत्म नहीं हो रही, अपने जेवर की आ गई। साले तुम औरतों का है जैसा लक्षण, कपड़े की टेंशन, जेवर की टेंशन। अरे तो चार समाज में जाऊंगी तो पहन के तो जाऊंगी, सब आंटा पांव रख के जाऊंगी क्या? अभी कहाँ जा रही है तो? कहीं भी तो जाऊंगी, शादी ब्याह में मेरे को लगते नहीं क्या, मेरे जेवर कहाँ ये तो बता दो मेरे को। अरे तो होंगे, कहीं भी होंगे, अच्छी जगह होंगे। तू अभी यहाँ किचड़ किचड़ मत कर, एक तो गर्मी का समय है। किचड़ किचड़ मत कर, कह रहे मेरे जेवर है, वो जेवर तुम नहीं समझ सकती क्या, हाई होती है लेडीज की जेवर में। अरे हाँ मैंने लिया हूँ। तो तुमने लिए हो लेकिन पहनती तो मैं हूँ, मेरे जेवर कहाँ है ये बता, मेरे जान में कलबली जैसी हो रही, सही बता रही मैं, घर से दिमाग खराब हो रहा है मेरा। oh, no! तो कैसा करूँ अब मैं? कैसा करूँ मतलब, लाखों करोड़ों के जेवर हैं जी, चोरी चल जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे लाख तक ठीक है, तू करोड़ों बोल के यहाँ। मेरे लिए करोड़ तक के हैं जी, तुम नहीं समझते मेरे हाय पीर क्या, मैं पहनती हूँ उनको, जब पहनती हूँ ना तो कैटरीना कैफ क्या, कोई हीरोइन लाइन नहीं लगती मेरे सामने। मैं रचका ही दूंगा अभी यहाँ, हीरोइन का नाम वाम ली, रचका पचका ना भाभी भाभी, फालतू के लोगों का नाम मत लेना मेरे सामने, बता रहा हूँ। हाँ नो, जेवर कहाँ है? अरे तेरे जेवर तो है, हाँ, कहाँ जाना है तेरे को अभी पहन के? शादी ब्याह का सीजन चालू हो गया है। अरे तो जिस दिन जाएगी उस दिन मैं लाके दे दूंगा ना, मई में जाऊंगी मैं, 11-12 की शादी है ना, वो कहाँ है बताऊ? शांति से पूछ रही हूँ, तुमने मेरे को पता है मेरे जेवर? मैं भी आराम से ही बता रहा हूँ। क्या आराम से, यहाँ हाई पड़ी है, जेवर नहीं है मेरे, तुमको आराम से आ रहे हैं? हमेशा तो आराम ही करते हो, और क्या करते हो घर में, जेवर जट्टे नहीं मिल रहे हैं अलग घर से, मानी तो तुम गत नहीं बिल्ला दिए मेरे जेवर के तुम।
अरे तेरे को कैसे समझाऊं यार, तुम्हारा ना औरतों का यही टेंशन है साला। तुम्हारा टेंशन नहीं है कछु का, तुम्हारा टेंशन तो है कि नहीं, मेरा छा टेंशन यार, मेरे को टेंशन अंदर से खाया जा रहा है और वैसे हाइपर हो रही है एकदम से। तो कैसे नहीं होंगी, एक बात बताओ ना, जेवर कहाँ है? बस यही तो पूछ रही हूँ कि मैं बाबूजी से जाके पूछूं कि वो दो चिरमहन से पूछूं अपने घर के। अरे तेरे को जिससे बनता है उससे पूछ। अरे यहाँ दिमाग खराब मत कर मेरा। पर तुम नहीं बताओगे? अरे तेरे को बोल रहा हूँ ना, अभी रुक जा, जिस दिन जाने का होगा मैं ला के दे दूंगा तेरे को। नहीं मिला जेवर ना, ताड़ का जैसे बिल्कुल तांडव कर दूंगी घर में। क्या बता रहे हो? हाँ ऐसे पानी पूछी नहीं रह सकती मैं घर में। तो क्या मार लेगी मेरे को क्या? की बात करती है। सुनो ना जी, देखो शांति से बता रही हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ मैं, कोई पराई तो हूँ नहीं। अच्छा? मेरे को बता भी दोगे तो मैं कुछ थोड़ी बोलूंगी तुमको। मैंने तेरे को बोला क्या तू पराई है करके? तेरे को पराई होती तो मैं इतना प्यार से समझाता क्या? नहीं नहीं, अभी तक दो चार खींच के भगा देता कोई दूसरा होता तो। ज्यादा होशियारी मत मारो तुम, ठीक है ना? तुमको जेवर जट्टच के लिए तो बोल रही हूँ ना, मेरा सन्नाया वन्नाया तो फिर देख लो सबको कैसे खेदा रगड़ी करती हूँ बंदिया बुंदिया में। मेरे को मार देगी क्या? क्या है तेरे को? तीन लोग ढूंढ रहे हैं। Oh, no. ढूंढने दे। अरे वो क्या तो बोल रहे, चेन्नई मुंबई क्या क्या बोल रहे हैं। चेन्नई मुंबई, तुमने टिकट करवाए हो जी? हवाई जहाज में बैठने वाला। अरे सुन तो, और वो इमली का ले गएगा उनने पूरी जोड़, यानी कि जोड़ जाड़ के पूरा ऐसा समेट सुमेट के जितनी गिरी थी इसने पे। अरे वो तीन लोगों ने का, मेरे को क्या मालूम यार, मैं तो सुबह से इधर खेत आ गया हूँ। तुम्हारा भी यार डेंग डेंग है। और क्या बोल रहे थे वो? क्या चेन्नई मुंबई ये वो क्या क्या बोल रहे थे? अरे यार कल मैच था ना, नहीं आ रहा था। कल मैच था ना चेन्नई मुंबई का। कब चले गए थे तुम जी? मायने गया वो। हाँ। मोबाइल में देख रहे थे। कहीं तुमने टिकट विकेट करवाए तो नहीं हो मेरे जेवर जट्टा बेच के? सही बताओ तुम। Oh, no. मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है। हाँ। तू बोलना क्या चाह रही है? ये बता रहा है ना चेन्नई मुंबई का के? होगा वो चेन्नई मुंबई। तेरे को भी यहीं अभी आना था यहाँ पे। सुन पा? मेरे से एक ना बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अच्छा? पर कर भी तो तुम्हारे लिए रहा था। आज आज सब कुछ अच्छा हो जाता ना तो आज तू भी चमकती। 1.5 किलो सोना तेरे लिए लेने वाला था। अच्छा? बाबू के लिए 8-10 जोड़ी धोती तो है, और तेरे लिए भी चमकते चुमकते कपड़े। ओह नो, किस्मत ने साथ नहीं दिया तो क्या कर लूंगा मैं। सोनिया भैया की शादी नहीं करवाता? अरे सब हो जाता रे। अच्छा? ना सोचा था मैंने तुम लोगों के लिए, पर क्या करूं साला, एक खट्टे 3-3 मैच लगाया था। ओह नो, सही है। अब साला वो तीनों गए, और वो तो ऑनलाइन वाला था। What? वो और क्या ऑफलाइन कहते हैं ना। हाँ। उसमें अलग लगा लिया मैंने। Oh, no. ओ साला, छक्के चौके छक्के चौके पे दे रहे लगे 1,000। Oh, no. ले रहे लगे 5,000, ले रहे लगे 10,000, ऐसे ऐसे करके पूरा निपट गया। क्या लगाए? पैसे। अबू माँ, इतने सारे पैसे लगाए तुमने काहे में? क्रिकेट में। हाँ। अरे पर देखना, अगर जीत जाता तो। अच्छा? आज तू चमकती रानी बन जाती। मेरे को बड़े रानी बना रहे हो? रुक जाओ जरा, बाबूजी को बताती हूँ ना, मेरे सत्यानाश का डाले काट का तुमने। तुम्हारा दिमाग में ठीक नहीं रहता क्या? एक जगह स्थाई नहीं रहता क्या? अरे पर मैं तुम सबके भले के लिए सोचा था ना वो। ये फालतू का खेल वो में। साले देख वो मनमानी टीवी पे, वो टीवी को फोड़ता हूँ घर की मैं आज, देख उसी के कारण हुआ ये सब। हाँ। वो टीवी पे मनमानी आ रहा था टाइटल, ऐसी टीम बनाओ वैसी टीम बनाओ, करोड़ों जीतो। अच्छा? लाखों जीतो साला। जीत लिए ना, पूरा खा गए ना मेरे जेवर जट्टन को सबको। Oh, no. दिमाग खराब करोगे? रुक जा, ले बता दी कि मैं बाबूजी मेरे पूरा दिमाग खराब करके रख दिए। सुन तो का, इस बार भी फसल की बहुत मारा मारी थी। अच्छा? गेहूं में अच्छा पैसा कमा लेते अपन, है कि नहीं? तो कैसा किया बे? गांव भर का खरीद डाला क्या? मैंने भी एक सट्टा खेल लिया हूं। Oh, no. अपने घर में 6 एकड़ है। हाँ। ये जाती तो 10 एकड़ आती सीधे। Oh, no. ये जाती तो ये 10 एकड़ आती। हाँ। ये कौन सा सट्टा है बे? अरे सुन तो, वो जो चेन्नई का मेज था ना। अच्छा? मैंने भी लगा दिया अपने यहाँ की 6 एकड़। Oh, no. तो कैसा हुआ रे? खड़ा मोल। तो कैसा हुआ? गए अपन। Oh, no. हो गए बर्बाद करने में तो। और तो सुनता हूँ, सुनतो वो अरे हो ना, सुन तो गा। तू तो इतना समझदार है, तू कैसे झांसे में आ गया? अरे क्या बताऊं यार,
मैं इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद में अच्छा क्या बता दूं। अरे वो अपने सिवनी जिले से अरसद नहीं गया क्या? हाँ, है ना, क्या लोग ढूंढ रहा है उधर, तो यहाँ नहीं रहता वो। हाँ, वो जैसे गया और पहले ही दिन खेला उसने, और पहले ही ओवर में जैसे फेंका और विकेट लिया, वहां से पूरी उम्मीद जागी मेरी। अच्छा? हाँ, मेरी भी उम्मीद वहीं से जागी थी। हाँ। मैंने कहा अपने जिले का लौंडा है, अच्छा नाम रोशन कर रहा है, तो मैंने उस भाव में साले को मैंने भी लगाना चाहा। Oh, no! मैंने तो पता है दो कट्टे बोरे गेहूं के पलटा दिया वही चक्कर में होगा। और सुन, इस बार तो मैंने कहे थे अपना घर भी लगा, गेहूं भी बेच डाला तूने? हाँ, पूरे। Oh, no! अबे गेहूं के लिए मारा मारी हो रही पूरे साले सोसाइटी में, और कहीं नहीं मिल रहा है खाने का, तो बचा देता। बचाया हूँ, दो बोरी बची बस। Oh, no! अबे तो पूरा साल बिताना है, और वो कहीं धोखे से सोने की शादी हो गई तो दो कट्टी तो शादी में लग जाएगी। तो साले सत्यानाशी हमारे घर का पूरा। अरे नहीं गा, अभी वो वापस आ जाएगा, तू टेंशन मत ले। अगला मैच है ना, उसमें घर लगा दिया हूँ मैंने अपने 30x40 का, और इस बार 30x40 60x80 का आएगा। टेंशन क्यों ले रहा है? कौन सा वाला घर लगाया है अपना, लेंटर वाला का? अरे भोसड़ी के लेदर के तो जिंदगी में पहली बार लेंटर क्या हो गया था? अबे जीतेंगे क्या नहीं वो बता। अरे पक्का जीतेंगे, यूं इस बार तो लग रहा है, देखना ना तू। अबे इतने अच्छे नसीब नहीं है कुत्ते हमारे साले, हम कभी जीत नहीं सकते, अट्टा सट्टा में हमारा कोई फायदा नहीं होता। तू साला तो रन जीत चाहिए ना।